सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड, मैं मनीषा मेकअप किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम गाजर का हलवा बनाएंगे। आप गाजर का हलवा आपको भी पसंद होगा और मुझे भी बहुत पसंद है। जब भी आप कभी बाहर रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं तो गाजर का हलवा खाया ही होगा। जब गाजर का हलवा खाते हो तो आपको वो गाजर का हलवा बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है। जब वो रेसिपी आप घर पे बनाने को ट्राई करते हैं तो वो वैसा टेस्ट घर पे नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेस्टोरेंट या होटल जैसा गाजर का हलवा बनाने। जब भी आप कभी गाजर का हलवा घर पे बनाए उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर उसमें कोई कमी रह जाए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वो प्रॉब्लम, हम आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जरूर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये गाजर डाल देते हैं। आधा किलो गाजर लिए हमने। और गाजर को अच्छी तरह से सेकना है पहले हमें। गैस को मीडियम फ्लेम पे ही रखें। तो गाजर का कलर हल्का हल्का चेंज हुआ है। आप इसी तरह से गाजर को 5 से 10 मिनट पकाएं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डालें ताकि स्वाद थोड़ा अच्छा रहेगा। देसी घी डालते खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही है। देसी घी डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट पकाया है। अब हम इसमें ये शक्कर डाल देंगे। ये लगभग मैंने 200 ग्राम शक्कर डाली है। आपको मीठा जितना पसंद हो उसके अनुसार आप शक्कर कम ज़्यादा डाल सकते हैं। शक्कर डालने के बाद हमने इसको 5 मिनट पकाया था और अब हम इसमें ये थोड़ा आधा लीटर से ज्यादा दूध लिया है। जब ये दूध पककर अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे गाजर के हलवे का स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। इसी तरह आप बीच बीच में चलाते रहें। अब धीरे धीरे गाजर का हलवा गाढ़ा हो रहा है। दूध डालने के बाद दूध अच्छी तरीके से सीख गया है, आधा सीखना बाकी है अभी तक। तो जब तक दूध ये पूरा न सीख जाए तब तक आप इसको पकाते रहें। दूध बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए इसके अंदर। इसको थोड़ा सा फ्लेवर दे देते हैं इसलिए हम ये इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, छोटे वाला आधा चम्मच लेना है, बड़े वाला नहीं। इलायची से गाजर का हलवे का स्वाद दोगुना हो जाएगा और इतना टेस्टी बन जाएगा कि बस आप उंगलियां चुभा जाएंगे। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आप भी घर पे बनाए तो मेरे को जरूर बताएं आपका हलवा कैसा बना। अगर आपको हलवा बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे
मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। तो थोड़ा सा दूध बचा है सिकना, वो भी जल्दी सिक जाएगा। तो गाजर का हलवा गाढ़ा हो चुका है, दूध पूरा सिक गया है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। हमने ड्राई फ्रूट लिए हैं, काजू, पिस्ता और ये किशमिश लिए हैं। जो हम इसमें ऐड कर लेंगे, ये पिस्ता, ये किशमिश और ये काजू। ड्राई फ्रूट से गाजर का हलवे का टेस्ट और स्वाद बड़ा अच्छा हो जाता है। और गाजर का हलवा तैयार हो गया। अब इसकी एक प्लेट में सर्विंग करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थम्स अप के बटन को क्लिक करें।